हेलो दोस्तों, तो आज किस वीडियो में हम जाने वाले हैं समीकरण को हल करने के लिए। आखिर समीकरण को हल कैसे किया जाता है और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है समीकरण हल करना। समीकरण हल करना, इनसे भी पहले हम इसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ जान लेंगे कि समीकरण को हल करने के लिए उसमें हमको क्या क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा उनके बारे में। जैसे कि एक होता है चर, जिसका मान बदलते रहता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, बदलते रहता है। ये जो चर है इसका मान हमेशा बदलेगा। और एक होता है अचर, अचर जो है इसका मान कभी भी नहीं बदलता। इसका लिखेंगे यहाँ पे मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। यानी हम कह सकते हैं अचर जो है इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे कि अब चर में कौन कौन आ जाएगा, चर में आ जाएगा एक्स वाला पार्ट, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब। और अचर में हो जाएगा 1 2 3, ये सब जो काउंटिंग है ये सब काउंटिंग आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें अगर यहाँ पे प्लस है तो बराबर के जब उस तरफ भेजेंगे समीकरण को, मतलब बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस है तो, अगर बराबर को उस तरफ गया तो प्लस, अगर यहाँ पे गुना है तो बराबर को उस तरफ भाग, और यहाँ पे अगर भाग है तो अगर उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, ये पॉइंट को याद रखना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे बारी बारी से क्वेश्चन लेके समझेंगे। जैसे कि हम लिए एक्स प्लस 6 बराबर 10, इस तरह से मेरा कोई क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर हो जाएगा 10, ये देखिए प्लस में 6 है, जैसे यहाँ पे प्लस में अगर रहता है तो बराबर उस तरफ माइनस, तो बराबर के जब उस तरफ भेजेंगे 6 को तो ये हो जाएगा -6। यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, दिस इज आंसर। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर लिए एक्स -4 बराबर 5, ये हो जाएगा एक्स का एक्स, बराबर हो जाएगा 5 का 5, ये माइनस में 4 है, जब यहाँ पे माइनस रहे तो बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो प्लस, लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 4, ये माइनस में 4 था इधर आया तो प्लस में 4, यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, यही हो गया आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि यहाँ पर है गुना वाला, जैसे यहाँ पर लिखे 3x बराबर 9, इसको लिखेंगे एक्स बराबर 9 बटे में 3, क्योंकि यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। जब बराबर की तरफ करेंगे तो भाग, ये 3 का टेबल पढ़ेंगे और 9 खोजेंगे, 3 3 9, एक्स बराबर हो जाएगा 3, यही हो गया आंसर। अंतिम और आखिरी जो एक पार्ट बचा है भाग वाला, ये जो भाग का है इस पर भी हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एक्स बट्टे 3 बराबर है 3, हमें करना क्या है, एक्स का एक्स लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे, ये देखिए 3 भाग में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3, ये जो 3 नीचे में है उधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा 9, ये हो गया आंसर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।